हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। क्वेश्चन है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। रैखिक बहुपद का मतलब कि जिस बहुपद में चर का घात एक हो, जैसे यहाँ पे 1+x है और यहाँ पे चर x है, इसके ऊपर घात 1 है। क्योंकि बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर कोई चर है, अगर उसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है, तो वो रैखिक बहुपद होता है। फिर द्विघाती बहुपद का मतलब कि जिस बहुपद में चर के अधिकतम घात 2 हो, तो उसे हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। और त्रिघाती बहुपद का मतलब कि जिस बहुपद में एक्स के घात जो है वह 3 हो, तो उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ चर एक्स की अधिकतम घात 2 है, अर्थात बहुपद द्विघाती है। ये हो गया आंसर। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, यहाँ चर एक्स की अधिकतम घात बराबर 3 है, तो बहुपद कैसा हो जाएगा, बहुपद त्रिघाती है। हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आप, y का स्क्वायर है यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ चर y की अधिकतम घात 2 है, इसलिए कौन सा बहुपद हो जाएगा, बहुपद द्विघाती है। फिर यहाँ पे देखें, एक्स जो यहाँ पे है, एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे चर एक्स की अधिकतम घात क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब बहुपद रैखिक है। यहाँ पर भी टी का घात 1 है, तो यहाँ पर भी बहुपद क्या हो जाएगा, रैखिक। इस तरह यहाँ पर भी वही हाल होगा, यहाँ चर टी की घात बराबर 1 है, तो बहुपद कैसा हो जाएगा, बहुपद रैखिक हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ चर आर के घात 2 है, तो यहाँ बहुपद कैसा हो जाएगा, 2 है, तो द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती। यहाँ चर एक्स की घात 3 है, तो यहाँ बहुपद कैसा हो जाएगा, त्रिघाती है। और इस तरह से मेरा सब आंसर हो गया। अब पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ लिखे, यहाँ चर एक्स की अधिकतम घात 2 है, इसमें भी लिखे हैं कि यहाँ चर एक्स की अधिकतम घात 3 है, इसमें भी लिखे हैं, इसमें भी लिखे हैं, लेकिन ये सब में नहीं लिखे, तो आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, फिर भी चलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।